तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी की इस बार मुसलमानों ने नहीं मानी बात, रोग के बावजूद भारी संख्या में निकाले ताजिए योगी के छूटे पसीने। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि विधानसभा चुनाव से पहले कृषि कानून को वापस ले सकती है भाजपा, राजनाथ सिंह ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में शिवसेना ने बीजेपी की खुलेआम बेइज्जती, वाला साहिब आवास से लौटे भाजपा विधायक के बाद शिवसेना ने दूध और गौमूत्र से किया इस आवास का शुद्धिकरण, बीजेपी की खुल गई पोल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आजम खान की रिहाई के लिए साइकिल चलाकर ब्रज घाट से गंगा जल लेने पहुंचे सपा कार्यकर्ता, बोले भोलेनाथ पर चढ़ाकर करेंगे आजम खान के लिए प्रार्थना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बेरोजगार युवाओं पर लाठी चार्ज को लेकर बीजेपी पर भड़के राहुल गांधी, बोले ये बस दो यारों के यार बाकी जनता पर कर रहे हैं वार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान में मुहर्रम के जुलूस के दौरान आतंकियों ने किया हमला, 25 लोगों की पाकिस्तान में हो गई है मौत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अलीगढ़ के बाद अब देवबंद का नाम बदलने का योगी ने किया ऐलान, मुसलमानों में भारी गुस्सा। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी आदित्यनाथ की यूपी के मुसलमानों ने नहीं मानी बात, रोग के बावजूद निकाले ताजिए। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों ने आज बड़ा झटका दिया है, और योगी आदित्यनाथ की इस बार उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने बात नहीं मानी है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मुहर्रम मनाने पर रोक लगा दी थी और आदेश जारी किया था कि कोई भी मुसलमान ताजिए घर से बाहर नहीं निकालेगा और ना ही जुलूस निकालने दिया जाएगा और ना ही जो कर्बला में ताजियों को दफनाने दिया जाएगा। इन सभी चीजों पर योगी आदित्यनाथ ने रोक लगा दी थी। इस रोक के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मुसलमानों ने भारी संख्या में ताजियों को निकाला और जो है कर्बला में उनको दफनाया भी, और जिला प्रशासन और पुलिस ऐसे ही सोती रही। मुसलमानों ने आरोप लगाया है कि हिंदुओं को खुश करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने हमारे त्योहार पर रोक लगाई है और कहा है कि योगी आदित्यनाथ बाजारों पर रोक क्यों नहीं लगाती है, मार्केटें भी खुल रही, क्या उनसे कोरोना नहीं फैल रहा है, सिर्फ एक दिन के मुहर्रम के त्योहार से क्या कोरोना फैल जाएगा। इसी के हवाले से मुसलमानों ने योगी की बात नहीं मानी और फर्रुखाबाद में बड़ी संख्या में ताजियों को निकाला गया और दफनाया भी गया और पुलिस कुछ भी नहीं कर सकी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के सामने झुकी मोदी सरकार, राजनाथ सिंह बोले किसानों से बातचीत के लिए तैयार है सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर पिछले 8 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले अगर मोदी सरकार ने कृषि कानून को वापस नहीं लिया तो वो हर राज्य में भाजपा के खिलाफ वोट मांगेंगे और भाजपा के खिलाफ वोट मांगकर बीजेपी को हराएंगे। इसी से डरी भाजपा सरकार ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है कि सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए कृषि कानून पर तैयार है। किसान बातचीत के लिए सरकार के पास आएं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर किसानों को कोई आपत्ति है कृषि कानूनों में तो हम उनकी बात सुनेंगे और कृषि कानून को हम रद्द भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि विधानसभा चुनाव से पहले कृषि कानून को मोदी सरकार वापस ले सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान में मुहर्रम के जुलूस पर हुआ हमला, 25 लोगों की मौत। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आज पूरी दुनिया में मुहर्रम का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसी बीच पाकिस्तान से मुहर्रम के त्यौहार को लेकर खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पाकिस्तान के पंजाब राज्य में मुहर्रम का जुलूस निकालने पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया है जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। भाई आपको बता दें कि ये हमला तब किया गया है जब सिया समुदाय धार्मिक जुलूस इमामबाड़ी की ओर ले जा रहा था। भाई आपको बता दें कि अभी तक ये मामला सामने नहीं आया है कि किन लोगों ने ये हमला किया है, लेकिन इसमें 25 लोगों की मौत हो गई है और 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और मुहर्रम का जुलूस मातम के रूप में बदल गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पाकिस्तान में ये बड़ा हमला आज हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान की रिहाई के लिए साइकिल से गंगा जल लेने पहुंचे सपा कार्यकर्ता, कहा भोले पर चढ़ाकर करेंगे आजम खान के रिहाई के लिए प्रार्थना। जो दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद आजम खान की रिहाई के लिए सपा यादव परिवार के कार्यकर्ता ब्रज घाट से साइकिल से गंगा जल लेकर रामपुर पहुंचे हैं।
ब्रज घाट से लाए गंगा जल को आगापुर शिव मंदिर पर ये सपा कार्यकर्ता चढ़ाकर भोलेनाथ से आजम खान को जल्द स्वस्थ और रिहा होने की प्रार्थना करेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सपा कार्यकर्ताओं ने कहा है कि इसलिए हम साइकिल चलाकर ही आजम खान की रिहाई के लिए गंगा जल लेने ब्रज घाट गए हैं और अब इस हम गंगा जल को भोलेनाथ पर चढ़ाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि आजम खान को जल्द से जल्द जेल से रिहा किया जा सके, क्योंकि उन पर झूठे मुकदमे लगाकर भाजपा ने बदला लेने के लिए उन्हें जेल में डाला है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये बड़ी बात आज कही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में शिवसेना ने बीजेपी की खुलकर बेइज्जती, बाला साहेब ठाकरे मेमोरियल से लौटे भाजपा नेता के बाद शिवसेना ने दूध और गौमूत्र से किया इस मेमोरियल का शुद्धिकरण। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना ने महाराष्ट्र में बीजेपी की खुलेआम बेइज्जती कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को मुंबई स्थित बाला साहेब ठाकरे मेमोरियल का शुद्धिकरण किया है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा से पहले केंद्रीय भाजपा मंत्री नारायण राणे ने बाला साहेब ठाकरे को श्रद्धांजलि दी और वह मेमोरियल गए थे, जिसके बाद शिवसेना ने इसका शुद्धिकरण किया, गौमूत्र और दूध से इसका शुद्धिकरण किया है, जिसके बाद भाजपा की खुलेआम बेइज्जती शिवसेना ने महाराष्ट्र में कर दिया, यानी बीजेपी नेता के जाने से पूरा मेमोरियल अशुद्ध हो गया और फिर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने गौमूत्र और दूध से इसको पवित्र किया है, इसका शुद्धिकरण किया है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनने पर गंगा जल से अखिलेश यादव का आवास धुलवाया था, इसी तरह से अब यहां पर भी बीजेपी की खुलकर बेइज्जती शिवसेना ने ही की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अलीगढ़ के बाद अब देवबंद का नाम बदलेंगे योगी आदित्यनाथ, भाजपा ने किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ और मैनपुरी का नाम बदलकर मायन नगर रखने का ऐलान किया था। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों की बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने योगी आदित्यनाथ से मांग करते हुए अब उत्तर प्रदेश के मुस्लिम परिषद देवबंद का नाम बदलकर देवब्रंद करने की मांग योगी आदित्यनाथ से की है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि देवबंद मुस्लिम नाम है, इसलिए इसको बदला जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और हिंदू शासन है। इसी को लेकर अब जो है योगी आदित्यनाथ ने देवबंद का नाम भी बदलकर देवब्रंद करने की ऐलान कर दिया। तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ किस तरह से नाम ही बदलते जा रहे हैं और कुछ योगी आदित्यनाथ को काम नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान संकट को देखते हुए अमरीका में गिर सकती है जो बाइडेन सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान से जिस तरह से अमेरिका ने अपने सैनिकों को वापस बुलाया, जिसके बाद तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और दिन दहाड़े लोगों की हत्या भी तालिबान कर रहा है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान के संकट को लेकर पूरी दुनिया अमेरिका की अब बुराई कर रही है और राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अब इस्तीफे की मांग दुनिया भर में तेज हो गई है और कमला हैरिस को अमरीका का नया राष्ट्रपति बनाने की मांग उठ गई है, जिसके बाद जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि देशवासियों ने कहा है कि जिस तरह से अमरीका ने अफगानिस्तानियों को धोखा दिया है और उनकी जान के साथ खिलवाड़ तालिबानी कर रहे हैं, क्या उन्हें बचाने के लिए अमरीका इस तरह से कार्य करेगा? हम कैसे अमेरिका पर अब भरोसा करें? तो लोगों ने अब जो बाइडेन के इस्तीफे की मांग कर दी है, लेकिन अभी सर्वे हुआ है, इस सर्वे में अगर अभी अमेरिका में चुनाव हो जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे मतों से जो बाइडेन को चुनाव हरा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जो बाइडेन की साख दांव पर लगी हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बेरोजगार युवकों पर लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी पर भड़के राहुल गांधी, बोले ये सब दो यारों के यार, बाकी जनता पर बार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खाली पदों पर भर्ती किए जाने की मांग कर रहे बेरोजगारों पर पुलिस के लाठी चार्ज को लेकर राहुल गांधी ने कड़ा ऐतराज जताया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने युवकों पर पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और इसका नेतृत्व सिर्फ दो पूंजीपतियों की सुनता है। राहुल गांधी ने फेसबुक पर वीडियो शेयर किया, जिसमें दिख रहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस बुरी तरह से युवाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी अंबानी अडानी की ये सरकार है और इन्हीं की प्रधानमंत्री मोदी बात मानते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा सांसद बोले भारत में देनी चाहिए थी अशरफ गनी को शरण। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे से पहले ही वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी
देश से भाग गए और अब पता लगा है कि उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में शरण ली है। भारत ने हमेशा से तालिबान का विरोध किया है, इसलिए अब तालिबान और भारत के रिश्ते के भविष्य को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अलग ही बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सांसद और पूरी बीजेपी अशरफ गनी को भारत में शरण दे दी और अफगान के राष्ट्रपति को भारत में ही सुरक्षा हम प्रदान कराते और भारत उनको आना चाहिए था, मोदी को उनसे बात करनी चाहिए थी। भाई आपको बता दें कि जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया उसके बाद भारत के साथ आयात निर्यात के सभी संबंध, सभी व्यापार के संबंधों पर रोक लगा दी, जिसके बाद मोदी सरकार को भी बड़ा झटका दिया है। आपकी क्या राय हमें खबरों में जरूर बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव ने योगी को दी धमकी, सपा की सरकार बनी तो भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों पर चलेगा बिल्डोजर। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विधानसभा में मानसूनी सत्र के दौरान अपना भाषण देते हुए विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने गुंडागर्दी और अपराधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि जो भी माफियों को अपने साथ लेकर आएगा उसको मालूम है कि फिर उसके पीछे बिल्डोजर चलेगा। उन्होंने कई समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कुछ लोगों ने दबाकर लोगों को सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, उस पर घरे बना रखे हैं, उन पर अब हमारी सरकार बिल्डोजर चलाएगी। वहीं आपको बताने की योगी आदित्यनाथ के इसी बयान से अखिलेश यादव नाराज हो गए और अखिलेश यादव ने आज पलटवार करते हुए योगी को सीधी चेतावनी दे दी। अगर समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार 2022 में बनी तो भाजपा के कार्यकर्ताओं पर समाजवादी पार्टी बुलडोजर चलवाएगी और उनके घरों को तोड़वाएगी जो उन्होंने अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बनवा रखे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को हमारे कार्यकर्ताओं के घरों पर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, अगर उन्होंने कार्रवाई की तो हम भी बदला लेंगे और सरकार बनने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करेंगे और उनके घरों को तोड़वाएंगे। तो ये अखिलेश यादव ने बड़ी धमकी योगी को दे दी। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अब राज्य को मिल गया ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार, राष्ट्रपति कोविंद ने दी नए कानून को मंजूरी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार अब राज्य को मिल गया है। राज्य को ओबीसी आरक्षण सूची तैयार करने का अधिकार देने वाले 127वें संविधान संशोधक विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दी है। राष्ट्रपति से हरी झंडी मिलते ही ये बिल अब कानून की शक्लें ले चुका है। बता दें कि मानसूनी सत्र के खत्म होने से ठीक पहले ही लोकसभा के बाद राज्यसभा भी इस बिल को मंजूरी दे चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब राज्य सरकारें ओबीसी की लिस्ट उत्तर प्रदेश सहित दुनिया भर के देशों में बना सकती हैं।